नमस्कार, मैं हूं नंदनी और गॉस्पल ट्रुथ में आपका स्वागत है। आज हम त्योहारों की बात करेंगे। त्योहार हमारे जीवन में उल्लास का संचार करते हैं। त्योहार संबंधों को प्रगाढ़ करते हैं। जीवन की आपाधापी से हम समय निकालकर बड़ों का आशीर्वाद, छोटों को स्नेह देते हैं और इन्हीं त्योहारों के बीच हम अपने दुख, तकलीफ और कष्ट थोड़ी देर के लिए ही सही मगर भूल जरूर जाते हैं। ऋग्वेदिक काल से ही अग्नि प्रज्वलित करने की ये परंपरा रही है और ये परंपरा धीरे धीरे हमारे त्योहारों से जुड़ गई। त्रेता युग में जब श्री राम जी 14 साल का वनवास काट कर विषम परिस्थितियों को झेल कर और लंका पर जब उन्होंने विजय प्राप्त की थी, जब वो आए थे, तो अयोध्या वासियों ने उनके लिए दीप जलाए थे। और सही मायने में उस समय कहा जाता है कि अयोध्या वासियों को लगा कि सही मायने में वो तब बसे हैं। वैसे ही अगर आप आइए द्वापर युग में, तो श्री कृष्ण ने जब नरकासुर का वध किया था तब उस वक्त दिए जलाए गए थे और अब खुशी उल्लास प्रकट करने के लिए दीपावली मनाई जाती है और दिए जलाए जाते हैं। देखिए, दिए जो होते हैं अमूमन मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। जैसे मैंने तो जब से मैंने होश संभाला है बचपन से लेके आज तक, मिट्टी के दियों का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है और बहुत ही सिग्निफिकेंट है। जब पूजा होती है तो शुरुआती पूजा जब होती है तो 5 दिए जलाए जाते हैं। किसी किसी घर में 5 दिए जलाए जाते हैं, किसी घर में 7 दिए जलाए जाते हैं, किसी घर में 11 दिए जलाए जाते हैं। लेकिन आजकल देखिए मार्केट में तरह तरह के दिए अवेलेबल हैं, बट मिट्टी के जो दिए हैं उनका एक अपना अलग महत्व है, क्योंकि मिट्टी जो है ये वो पंच तत्व को डिपिक्ट करते हैं और वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, जो पंच तत्व हैं, कहते हैं कि ये हमारे प्रकृति का संतुलन बना के रखते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका आज भी इस तरह के जो पर्व हैं, स्पेशली दीपावली में, तो इस तरह के पर्व जब हम मनाते हैं तो इसके जो सिग्निफिकेंस हैं, जो हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं उनके सिग्निफिकेंस हैं, उसकी याद ये जो है ये पर्व दिलाता है। और साथ ही साथ आप देखिए कि किस तरह से दीपावली में सरसों के तेल, हमेशा सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है। मेरा मानना ये है कि जो हमारे जो हिंदुओं के जो पर्व, तीज और त्यौहार होते हैं, कहीं ना कहीं ये प्रकृति से कनेक्टेड होते हैं और इनसे विज्ञान जुड़ा हुआ है। अगर आप सरसों के तेल की ही बात कर लें तो सरसों के तेल में अनेक गुण हैं और आजकल तो तमाम तरह के, जैसे अरोमा डिस्पेंसर्स और अरोमा थेरेपीज जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और मुझे लगता है कि सारे एसेंशियल्स और एसेंशियल ऑयल जैसे होते हैं, जैसे सैंडलवुड हो गया और रोज़ ऑयल हो गया, ये लोग अपने घरों में जलाते हैं। पर कहते हैं, जैसे हमारी पुरानी दादी और नानी थी तो वो कहती थी कि घर में अगर आप सरसों का तेल जलाएं तो इससे रोग और विकार जो है वो दूर होता है, वो नष्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर इनहेरेंट कुछ वैल्यूज़ होते हैं। और अगर आप देखें तो फार्मोलॉजिकली भी ये बहुत ही अच्छा ऑयल है। और मस्टर्ड ऑयल में एक यूनिक टेंडेंसी होती है, वो पूरी तरह से, जैसे आज भी कफ एंड कोल्ड अगर किसी के होता है तो कहते हैं भाई मस्टर्ड ऑयल लगा लो, या छोटे छोटे बच्चे को जो माएँ हैं दवा देने से जब बचती हैं तो मस्टर्ड ऑयल को उनके पैर में लगा देती हैं, सर में लगा देती हैं। जो दीपावली का पर्व है, साइंस से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है और शुद्धता और स्वच्छता का ये प्रतीक है। स्वच्छता, जैसे हमारे वातावरण को ये स्वच्छ करता है, हमारे घर और आसपास के वातावरण को करता है। साथ ही साथ देखिए दीपक का एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस भी है और वो सिग्निफिकेंस बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत अच्छे से बताया गया है। एक मंत्र है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, कहते हैं इसका अर्थ है कि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। और ज्ञान का दीपक, दीपक जो है वो सिंबॉलिक है, जहां भी दीपक जलता है तो वो प्रकाश फैलाता है। तो कहा जाता है कि दीपावली का एक बहुत ही प्राकृतिक एस्पेक्ट है और वो एस्पेक्ट ये है कि बरसात के बाद दीपावली जो है वो मनाई जाती है।
और बरसात के बाद देखिए तमाम तरह के जीवाणु कीटाणु जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो हम इस तरह से जो घी के दिए जलाते हैं या सरसों के तेल के दिए जलाते हैं, एक तरह का वो अरोमा थेरेपी का काम करता है, जो उसमें से फ्यूम्स निकलते हैं तो हमारे आसपास के वातावरण को वो स्वच्छ बनाते हैं। और साथ ही साथ हम अपने घर की सफाई करते हैं, जो भी टूटी फूटी चीज़ें हैं, जो भी कूड़ा कबाड़ होता है उसको हम उठा कर फेंक देते हैं, उसे हम अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। तो कहते हैं कि जहाँ पर शुद्धता होगी, जहाँ पर शुद्धता होगी, जहाँ पे स्वच्छता होगी, वहीं पे लक्ष्मी का वास होगा। यानी कि हमें शुद्धता और स्वच्छता, ये हमें इसको अपने आचरण में भी इसको आत्मसात करना है। और कहीं ना कहीं ये जो हमारे जो फेस्टिवल्स हैं और जो त्यौहार हैं, हमें एक राइट एटीट्यूड फॉलो करने की प्रेरणा भी देते हैं। तमाम तरह के फोकलोर्स हैं, फोक सॉन्ग्स हैं, लोक कथाएं हैं। जैसे हम हमारे फोक ट्रेडिशन जो हैं, आप देखिए भारतवर्ष में फोक ट्रेडिशन जो है वो बहुत ही रिच है, हमारा एक रिच कल्चरल हेरिटेज है। और मुझे लगता है कि ये जो फोक ट्रेडिशन है, जो लोक कथाएं हैं, कहीं ना कहीं समाज का एक अभिन्न अंग है। अगर आपको समाज को समझना है, उसमें रह रहे लोगों को समझना है, स्पेशली आपको महिलाओं को समझना है, तो उसमें फोक ट्रेडिशन को जानना, सुनना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं जब छोटी थी तो हमेशा से मैं अपनी दादी से पूछती थी कि हम दीपावली में दीपक क्यों जलाते हैं, तो वो मुझे कहानियाँ सुनाती थी। दादी नानी का तो काम ही है कहानियाँ सुनाना, तो उन्होंने एक मुझे बड़ी अच्छी सी कहानी सुनाई, वो मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। एक राज्य था, उसमें बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहते थे, और वो ब्राह्मण जो थे भिक्षाटन करके वो अपना जीवन यापन करते थे। उनकी पत्नी नहीं थी, एक छोटा सा उनका पुत्र था। धीरे धीरे पुत्र बड़ा हुआ, पुत्र की शादी हो गई। शादी होने के बाद पुत्रवधू आई, जो कि बहुत ही अच्छी थी, और वो जो भी रूखा सूखा पंडित जी जो ब्राह्मण हैं वो लेकर आते थे, तो जो भी रूखा सूखा लेके आते थे वो उनको बना के दे देती थी। बहू ने एक बात अपने ससुर जी को समझाई, पुरोहित जी को समझाई कि कोई भी आपको किसी भी प्रकार का जो है वो भिक्षा दे दे तो आप उसकी उपेक्षा मत करिएगा, आप उसको खुशी खुशी ले लीजिएगा। एक दिन ऐसे ही वो भिक्षाटन के लिए पुरोहित जी बाहर गए, तो कुछ शरारती लड़कों ने मरा हुआ सांप उनकी थाली में, उनके पात्र में डाल दिया। और शुरुआत में तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा, और काफ़ी बुरा लगा, लेकिन उन्हें अपनी बहू की बात याद आई। घर वो वापस आए और उन्होंने अपनी बहू को वो जो पात्र था वो दिखाया, और दिखाया कि उन्हें किस तरह से शरारती लड़कों ने मरा हुआ सांप भिक्षा के रूप में उनको दे दिया है। तो उनकी बहू ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा, उनकी छोटी सी झोपड़ी थी और छप्पर का घर था, तो बहू ने कहा कि आप इस सांप को ले जाइए और छप्पर पर जाके रख दीजिए। इसी बीच उस राज्य की रानी थी, राजा रानी थी, और रानी जो थी वो नहाने गई, तो वहाँ उन्होंने एक नौलखा हार पहना हुआ था, और वो नौलखा हार नहाने से पहले उन्होंने निकाल के वहाँ नदी के किनारे उन्होंने रख दिया। तभी एक चील उड़ते उड़ते आई, और वो हार जो था वो काफ़ी चमक रहा था, तो चील उठा के उसको ले गई, और जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण का जो घर था उसके छप्पर पर जाके उसने वहाँ पर बैठी, और जैसे ही उसने देखा कि वहाँ एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है तो उसने उसको वहाँ छोड़ दिया, जो हार था उसे छोड़ दिया, और फिर सांप लेके उड़ गई। एक दिन ऐसे ही सफाई कर रही थी, जो बहू थी वो घर की सफाई कर रही थी, छप्पर की सफाई कर रही थी, तो उसे वो हार मिला। और इसी बीच जो राजा थे वो काफ़ी परेशान हो गए थे, क्योंकि रानी खुद परेशान थी, वो नौलखा हार उनको बहुत प्रिय था। तो राजा ने ढिंढोरा पिटवाया, और राजा ने कहा कि जो भी उस हार को लेकर आएगा उसे मुँह मांगा इनाम देंगे। ये बात बहू को पता चल गई और ब्राह्मण को भी पता चल गई, तो बहू ने वो हार लेके रख लिया और उसे एक पात्र में सजाया, थाली में सजाया, और उसे केले के पत्ते से ढक दिया और अपने ससुर जी को दे दिया। उन्होंने कहा कि आप जाके इसको वापस दे के आ जाइए, राजा को वापस दे के आ जाइए, और इसके बदले में अगर आपको कुछ मिले तो प्लीज़ उसे आप मत लीजिएगा। उस समय तो पुरोहित जी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी वो चले गए।
उन्होंने जाके राजा को वो हार वापस कर दिया। राजा बहुत खुश हुए, रानी भी बहुत खुश हुई, लेकिन उन्हें बड़ा अजीब लगा कि वो ब्राह्मण जो थे उन्होंने इसके बदले कुछ लिया नहीं। राजा उनके घर तक आ गए और उनको रिक्वेस्ट करने लगे कि आप कुछ तो ले लीजिए। तो तब भी वो नहीं माने, तब तक बहू आई और बहू ने कहा कि अगर आपको कुछ देना ही है तो कार्तिक अमावस्या के दिन पूरे गांव में, पूरे राज्य में ये दीपक नहीं जलेगा, और अगर जलेगा तो सिर्फ और सिर्फ हमारे घर में ही जलेगा। तो इसके राजा ने बोला अच्छा ठीक है। राजा को बड़ा अटपटा लगा। कार्तिक अमावस्या के दिन बहुत अंधकार था और सिर्फ उस छोटी सी झोपड़ी में दीपक जो है वो प्रज्वलित किया गया था, बहुत सुंदर से उसे सजाया था बहू ने। अब क्या हुआ कि लक्ष्मी जी भ्रमण करने के लिए आई और पूरे राज्य में घूमी, उन्हें तो अंधकार ही दिखा, लेकिन एक छोटी सी झोपड़ी दिखी जहाँ पर दीपक जल रहा था। अब वो वहाँ पर गई और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, तो बहू ने तो पहले ही अपने ससुर जी को बता दिया था कि अगर कोई भी आए तो दरवाज़ा नहीं खोलना है। लक्ष्मी जी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा जो है वो खटखटाने लगी, लेकिन जो पुरोहित थे उन्होंने कहा कि हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। उन्होंने कहा कि अरे मैं लक्ष्मी हूँ, मुझे अंदर आने दो। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी आप तो चंचला हैं, आज आप हैं कल नहीं हैं, मैं क्यों दरवाज़ा खोलूँ। फिर लक्ष्मी जी ने कहा अच्छा चलो मुझे आने दो, मैं आपकी दूसरी पीढ़ी तक रहूँगी। उन्होंने कहा कि आप दूसरी पीढ़ी तक रहोगी और फिर आप चली जाएंगी, उसके बाद फिर जो मेरी पीढ़ी है फिर उसका जीवन यापन गरीबी में ही होगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं मुझे अंदर आने दो और अगली 7 पीढ़ी तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। और इसके बाद उस छोटी सी झोपड़ी में लक्ष्मी जी का वास हो गया। तो इस कहानी का जो तार्किक अर्थ है वो ये है कि हमें नीति धर्म से काम लेना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए, और साथ ही साथ जहाँ पे बड़े बुज़ुर्ग का आशीर्वाद होगा, जहाँ बड़े बुज़ुर्ग को स्नेह दिया जाएगा, उनका ख्याल रखा जाएगा, जहाँ पे मन की शुद्धता होगी, जहाँ समझदारी होगी, वहीं लक्ष्मी जी का वास होगा। एक छोटी सी कहानी मैं आपको और सुनाना चाहूँगी। ये है, देखिए हम लोग रंगोली में अमूमन क्या होता है, मैं भी रंगोली जो है बचपन से बनाती, पहले मेरी दादी बनाती थी, फिर मेरी माँ बनाती थी, मैं बनाती हूँ। तो बेसिकली अभी अगर आप देखेगा तो तमाम तरह की बातें होती हैं कि कलर थेरेपी की बात होती है कि रेड कलर का ये सिग्निफिकेंस है। जनरली मीडिया से जुड़े हुए लोग जो होते हैं वो ग्रीन कलर प्रेफर करते हैं, ग्रीन कलर उनको बहुत सूट करता है। लेकिन अगर आप देखें तो रंगोली जो है वो सदियों से बनते हुए आ रही है और इसका एक अपना सिग्निफिकेंस है। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी जी के पैर जो हैं उकेरे जाते हैं और लक्ष्मी जी एक तरह से जब आती हैं तो वो घर में विचरण करती हैं, भ्रमण करती हैं, और उन्हीं के लिए ये बनाया जाता है। तो ये सुख समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई एक और पौराणिक कथा जो है वो काफ़ी फेमस है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। हुआ यूँ कि जो शिव जी हैं वो शिव जी बीइंग शिव जी उनकी पार्वती जी से थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी और थोड़े रूठ गए थे। तो वो रूठ कर कैलाश पर्वत की ओर जाने लगे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने पार्वती जी को ये बात कही कि देखो मैं जब वापस आऊँगा तो मुझे मेरा आंगन घर जो है वो प्रसन्न दिखना चाहिए, और ये कह के तुरंत चले गए। अब पार्वती जी जो थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, उन्होंने सोचा कैसे अपने घर आंगन को शिव जी के अनुसार बनाऊं। तो उन्होंने घर की बहुत साफ़ सफाई की, उसको गोबर से लीपा। पुराने ज़माने में घर जो कच्चे घर होते थे उनको गोबर से लीपते थे, आज भी अगर आप गांव में जाइएगा तो उसे गोबर से लीपा जाता है। और उन्होंने खूब सारे जो है फूल इकट्ठा किए, लेकिन हुआ यूँ कि पता चला कि शिव जी वापस आ रहे हैं, सडनली वापस आ रहे हैं। पार्वती जी बहुत ज़्यादा घबराई और फूल लेके आंगन की ओर दौड़ी और वहीं पर वो गिर गई। तो उनके पैर में ना आलता लगा हुआ था, और वही आलता, वही उनके जो पैर के जो चिन्ह थे, जो आकृति थी, वो वहाँ ज़मीन पर बन गई और फूल जो थे वो गिर गए। जब शिव जी वापस आए तो उन्होंने देखा, वो बड़े मंत्रमुग्ध हो गए, बहुत खुश हो गए, और उन्होंने कहा कि जहाँ कहीं भी इस तरह की आकृति होगी वहाँ मेरा वास होगा, वहाँ मेरा आशीर्वाद होगा।
कई बार ऐसा देखा गया है कि दीपावली में हम सब घरौंदा बनाते हैं। आपने घरौंदा बनाया है? मैं जब छोटी थी तो मैं घरौंदा बनाती थी और अपने हाथ से घरौंदा बनाती थी, मिट्टी का घरौंदा बनाती थी। जैसे मैंने कहा कि मिट्टी का हिंदू धर्म में, हमारे कस्टम में, हमारे ट्रेडिशन में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल रहा है, और वो इसलिए क्योंकि वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जो मिट्टी का जो घरौंदा है वो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई बनाता होगा। तमाम तरह के आर्टिफिशियल जो हैं वो घरौंदे बनाए जाते हैं, लोग खरीद के लेके आते हैं, लेकिन मैंने भी घरौंदा बनाया हुआ है और पहले भी मिट्टी के घरौंदे जो हैं बनाए जाते थे। घरौंदा कहते हैं कि घरौंदा इसलिए बनाया जाता है, कहते हैं कि जब कार्तिक अमावस्या के दिन, जब 14 साल का वनवास पूरा करके श्री राम जी वापस आए, तो एक तरह से कहते हैं कि जो अयोध्या वासी हैं उनको लगा कि सही मायने में अब वो बसने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने अपने घरों में छोटे छोटे मिट्टी के घरौंदे बनाए। और उस और जो वो मिट्टी का जो घरौंदा बना तो उसमें उन्होंने लक्ष्मी जी, गणेश जी जो हैं वो स्थापित किए, और स्थापित करने के बाद उसकी पूजा की। तो कई बार कहते हैं कि जो घरौंदा होता है उसमें छोटी छोटी लड़कियां भी, एक एक पॉजिटिविटी का ये सिंबल है, और जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं और वो लड़कियां जिनकी शादी नहीं होती है तो आज भी वो घरौंदा बनाती हैं, और वो एक सिंबल है कि जब उनकी शादी होगी, जब वो दाम्पत्य जीवन में एंट्री लेंगी तो उनका जीवन जो है वो सुख समृद्धि से वो भर जाए। तो कहते हैं कि और आपने कभी दीपावली में देखा है कि घरौंदे के आसपास मिट्टी के बर्तन जो हैं उनको रखा जाता है, उसको कुलिया चुकिया कहते हैं, बिहार में हम चूल्हा चुकिया उसको कहते थे, और कई जगह उसे कुलिया चुकिया भी कहा जाता है। तो उसमें लैया भरते हैं, बताशा भरते हैं, और लक्ष्मी जी, गणेश जी की पूजा करते हैं। तो ये एक समृद्धि का कि लड़की जब उसकी जब शादी होगी, जब दाम्पत्य जीवन में वो जाएगी, तो इसी तरह से उसका जो घर परिवार है वो समृद्ध रहे और उसको किसी प्रकार की कमी नहीं हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि उसमें जितने भी प्रसाद जो पूजा होती है घरौंदे के अंदर, और जितने तमाम तरह के प्रसाद रखे जाते हैं, वो लड़की खुद नहीं खाती, अपने भाई को खिलाती है। कहते हैं कि भाई को खिलाने से जो आयु है वो लंबी होती है। और जब हम लक्ष्मी और गणेश जी की बात करते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी मुझे याद आती है, जो मुझे मेरी दादी ने सुनाई थी, वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। कहते हैं कि अगर लक्ष्मी जी से आपको पुण्य की प्राप्ति चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए, तो विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन दीपावली में ऐसा, दीपावली में क्यों ऐसा होता है कि लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा होती है? कहते हैं कि लक्ष्मी जी की बहुत समय तक उनकी संतान नहीं हुई थी, जैसे शुभ लाभ जो है वो लक्ष्मी जी की संतान है, लेकिन काफ़ी समय तक उनकी संतान नहीं हुई थी, तो इस वजह से वो पार्वती जी के पास गई, और उन्हें गणेश जी बड़े प्यारे लगते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे अपना पुत्र दे दो, मैं इसका ख्याल करूँगी, इसको मैं पालूँगी, इसका ख्याल करूँगी। तो पार्वती जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम ले लो और इसे प्यार करो, इसे प्यार से रखो और इसे पालो पोसो बड़ा करो। लेकिन पार्वती जी को ये बात पता थी कि लक्ष्मी जी काफ़ी चंचल हैं और वो गणेश जी का ख्याल नहीं रख पाएंगी, तो इसलिए पार्वती जी ने उनसे कहा कि तुम तो बहुत चंचल हो, तुम किस तरह से मेरे बच्चे का या गणेश जी का, भगवान गणेश का तुम ख्याल रखोगी? तो लक्ष्मी जी ने कहा कि देखिए मेरी पूजा के पहले, उन्होंने प्रॉमिस किया कि मेरी पूजा के पहले गणेश की पूजा होगी। वैसे ये भी कहते हैं कि गणेश जी को शिव जी से ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि सबसे पहले कोई भी पूजा शुरू करने के पहले सबसे पहले गणेश जी का ही आह्वान होगा, तो ये भी उनको एक आशीर्वाद जो है वो प्राप्त हुआ था। अमूमन देखा गया है गणेश जी के राइट हैंड साइड पे लक्ष्मी जी को बिठाया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि वो जगह जो राइट हैंड साइड है वो माता की जगह है, और पत्नी को वामा कहा गया है, तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखिएगा, जैसे शिव पार्वती हैं तो पार्वती जी शिव जी के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बैठी हुई नजर आती हैं। इसी प्रकार मुझे लगता है कि दीपावली जो है प्रकृति से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, और कहीं ना कहीं इसमें साइंस और
आयुर्वेद भी जुड़ा हुआ है, इसमें हीलिंग भी जुड़ी हुई है, और मुझे लगता है कि हमारा एक जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारी जो परंपरा है जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, इसको कहीं ना कहीं संजो के रखने की ज़रूरत है, इसको एनरिच करके रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी के द्वारा हम अपने जड़ों को मजबूत कर सकते हैं, हम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी में डिसिप्लिन इंस्टिल कर सकते हैं, राइट मोरल वैल्यूज इंस्टिल कर सकते हैं और उनके अंदर अच्छे संस्कार भर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग तथ्य लेके आपके सामने मैं फिर हाजिर हूँ। नमस्कार।